हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यार हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं, सेफ हैं, फिट हैं, अच्छे हैं। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, अभी बजे हैं 4। अभी बच्चा पार्टी दोनों उठे हैं थोड़ी देर पहले, और अभी उन लोगों ने पिया है जूस, ऑरेंज जूस, और अभी वो लोग खा रहे हैं नानी के साथ मखाने। और हम लोग भी कुछ खाते हैं अभी, खाने पीने के लग रहा था, क्योंकि पूरा दिन इतना बड़ा होता है, मतलब धूप रहती है पूरा दिन, तो दिन भर ऐसे खाने का चलता रहता है, कभी काय का जूस, कभी कुछ शेर, कभी कुछ छाछ राबड़ी, यही सब चल रहा है। मैं दिखाती हूँ। हाँ मम्मी, खा रही गुद्दू? मम्मी को खा रही है खाना। और ये लड़का, ये गुड्डा दिन भर चुन्नी को लिए घूमती रहती है हमारी गुड्डू, मामी की चुन्नी। तन्ने तन्ने तन्ने, मामी क्या बना रही है? गुड्डा क्या बना रही है? इधर आओ, मेरे को बताओ क्या बना रही है, क्या बना रही है गुड्डा, क्या बना रही है मामी? चा क्या बना रही है? जूस बना रही है गुड्डा के लिए मामी, दिन भर गुड्डा के लिए जूस। के आम पन्ना क्या बना, क्या पिएगी गुड्डू? अरे पिपकी की पर्ची चढ़ा रही मुड़द की। ये हमारा किसी डोन नानी के साथ मखाने खाते हो। क्या खा रहे किसी, क्या खा रहे लड़के? जुल्लन तोड़ेंगे बेटा, तू काम को छोड़ेंगे को नहीं फिर मखाना। मखाने तो फिनिश कर दिए तुम तीनों ने, नानी दो तो नहीं मिलके फिनिश हो गया, फिनिश हो गए। ओ जी, ओ लाओ भाई किसी के लिए मखाने, कौन खा के हो जी? हमारी भाभी पिला रही है हमें। क्या पिलाया गुड्डू मामी ने? गुड्डू पिएगी, हमारे गुड्डू को हर चीज टेस्ट करनी होती है। पापा ने बोल दे, पापा जी नहीं एक चीज पसंद करने। गुड्डू घूम के दिखाओ, घूम के दिखाओ सबको, हमारे गुड्डा को डांस और सब कुछ आता है, इस लड़की को बहुत गुड गर्ल है ये। अरे वाह गुड्डू, क्या खाया गुड्डू ने, क्या पिया है, क्या पिया? गुड्डू सग सग पी पे आ गया। यहाँ पे मेरी बच्चों के लिए बन रही है दाल, मैंने इसमें डाल दी है हल्दी नमक और हल्दी नमक और घी और पानी और दाल। थोड़ी देर इसको भिगो के रख दिया था, अब इसको बॉईल करेंगे, उसके बाद बच्चों को खिलाएंगे। और इधर मम्मी ने चिकने मिट्टी का ये बर्तन साफ कर दिया है। आएंगे अचार, मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया कि हम लोग वो कैरिया सुखाए हैं जना, बाकी अचार बनाऊंगा। अभी मम्मी कर रही हैं थोड़ी प्रिपरेशन अचार बनाने के लिए, सूप वूप पीस रही हैं, कुछ काम कर रही हैं, और मैं ये काम कर लूँ और भाभी रख रहे हैं बच्चों को। तो हमारा हम तीनों का डिसाइड है हम लोग क्या क्या कर रहे हैं तीनों। तो मम्मी से मैं पूछती हूँ क्या काम करना है, जल्दी से मम्मी को हेल्प करती हूँ अचार बनाने में, उसके बाद फिर बच्चों को रखना है। हमारा तो यही चलता रहता है, आप लोगों को पता ही है गाइस। तो गाइस यहाँ पे मैंने मम्मी को थोड़ी प्रिपरेशन करके दिया, मम्मी ने इसको साफ़ कर दिया था, हमारे खेत में लगी तो बहुत पहले की, इस बार तो नहीं हुई। और ये है, इसमें मैंने वो राई को पीस दिया है, ये वाली, ये है सूंफ, थोड़ी मोटे मोटे पीसी है इसको, सूंफ और राई को पीस दिया गया है। और बाकी मसाले तो साबुत भी डालेंगे, तो अभी बनाते हैं मैं और मम्मी अचार। अरे यहाँ पे मेरे बच्चों की दाल बस होने वाली है, उनको दाल खिलाएगी भाभी। तो गाइस यहाँ पे मम्मी ने रख दिया सरसों का तेल, इसमें बनेगा हमारा अचार। ये बच्चों की दाल हो रही है, बॉईल हो गई है, बस मैं उनको देख के आते हैं, थोड़ी सी और लग जाए इसमें उबाल। तो ये मैंने और पीस खिलाई, मम्मी बोली और पीस खिलाया, थोड़ी सूंफ, सूंफ थोड़ी कम ही, सूंफ और ये जितनी ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा अच्छा बनता है अचार, टेस्टी टेस्टी। ये हम लोग डालेंगे उसमें छूकने में, सूंफ और कड़ौंजी और मेथी, ये सब चीज़ें डलेंगी इसमें। तो गाइज मम्मी ने यहाँ पे कैरी स्टोर करके रख दिए हैं, इनको हल्दी लगा के रख दी है, और इनको रख देंगे फ्रिज में, पूरी साल भर हम लोग इसको काम में ले सकते हैं। और ये हैं हमारे अचार डालने के पतले, इनको मम्मी ने थोड़ा मोटा मोटा इनको रख दिया है, मोटा तेल लगा से होगा मम्मी और गाल दिए, क्योंकि हमारे घर में ज्यादा कोई अचार कम खाना चाहे लोग। ठीक है तो भाई चलो, ये माया उनकी छूकनी था नहीं तेल,
ये बोला कुनी करते कहीं नहीं आज कुनी अच्छा कलर डाल दिया है। अच्छा तो गाइज हम लोगों ने यहाँ पे सौंफ डाल दी है और बाकी मसाले कलूंजी और मेथी बाद में डालेंगे क्योंकि वो हो जाते हैं कड़वे हो जाते हैं। तेल अभी है गर्म, अभी इसको रखते हैं ठंडा होने के लिए, है ना मम्मी। उसके बाद में उसी सारे प्रोसेस नमक को पैकेट निकालो अलग से। तो गाइज यहाँ पे मम्मी अपना पिटारे ले ला के बैठी है, सामान अब डाल लिया इसमें। कलूंजी थोड़ा हो गया ये ठंडा, फैन के नीचे रख दिया था इसको। हो मन गए करो मिठाई बनाए करो, चार था नहीं करो थे एक्सपर्ट। दाल से चार थन बता सा पूरी प्रोसेस, अगर थे भी बनाना चाहो कह रही है को चार तो बना सको। ये मम्मी की मेथी है सब साफ ऑफ करके। मेथी कतिक डालने बस के होगी ना, एक महीने गिरनी होगी मसाले। पहले कह रही है कि तू मेरे को ना लगे तो लाला तो गाइस भाभी के पास हैं बच्चे, बच्चे कर रहे हैं भाभी को ज्यादा परेशान। वो दोनों आजकल दो दो लोगों से भी नहीं संभलते बाहर, तो उनको तीन तीन लोग चाहिए। बहुत बदमाशी करते वो लोग, किधर गया एक, इधर गया एक, उधर गया। मम्मी अपना चार का काम कर रही है। मिट्टी का बर्तन जिसमें हम लोग अचार डालेंगे, पहले के जमाने में डालते थे ना उसी, वही वाला बर्तन है मिट्टी का। बुढ़ा दादू जी को की आपने दादू जी को कठा ले रहे आजकल भी मिलता हुआ, आजकल पर लेना सब कुछ मिले, आजकल मिले तो मम्मी बोले यहाँ पे टेस्ट करो, टेस्ट के बिना नमक का पता नहीं चलेगा। अभी करते हैं टेस्ट, उसके बाद चेक करते हैं। नमक का ही इश्यू है और तो बाकी मसाले सही हैं। नमक से ही आता है टेस्ट, सब्जी हो या अचार हो कुछ भी हो। अभी मैं करती हूँ टेस्ट, ये काम है मेरा टेस्टिंग का। यहाँ पे मम्मी डाली अचार और मेरी माँ को हो रही है जल्दी, माँ को हो रही है जल्दी दूध निकालने की। तो गाइस यहाँ पे मम्मी ने तेल लगा के इसको रखेंगे फ्रिज में, जो आराम से खाएंगे, साल भर के लिए खराब नहीं होंगे ये। और ये हमारा हो गया है अचार, देख सकते हैं आप लोग, ये अचार मम्मी ने डाल दिया। और मम्मी को हो रहे दूध को टाइम, माँ को हो रहे लेट, माँ ने हमेशा लेट होती रहो, जल्दी रहो माँ के हर चीज़ की। तो मम्मी कर दिए गाइस सारे काम, अब हमें दूध वूध निकालना है। अभी मिलते हैं आप लोगों से बाद में, काम वाम फिनिश करके। हमारे काम ऐसे चलते रहते हैं रोज रोज के। बड़ा खेल लिया मेरी माँ के पास, इसको मेरी माँ से बड़ा प्यार है। माँ जा रही है गुड्डा, लाडू कर दे माँ का, क्या लाडू करे गुड्डू, ये चिपक जाओ मेरे गुड्डू, जो ये लाडू कर दे माँ का चिकलो जो। गुड्डा को माँ कैसी लगती है, कितनी अच्छी लगती है, टू अच्छी लगती है। गाइस ये बच्चे आजकल इस गाड़ी में बैठना सीख गए, मेरे दादू वाली में इसमें बैठते हैं निकलते हैं। और इस लड़के को देखो आप लोग, इस लड़के को देखो, एक कितने रोड़ा कर रही है, सबको सुना दिया गुड्डा ऐसा बदमाशी कर रही है अभी। गुड्डू हेलो गाइस करो, हेलो गाइस हाय करो, क्या हुआ हाँ क्या हुआ बोलो हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस। इन दोनों को करना है जे जे, इधर आओ अंदर करेंगे अंदर। गुड्डू इधर आ बेटा, एक टिल लेके कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा है, क्या है, काऊ
तो गाइज यहाँ पे ये है काऊ, तो इनको देखने के लिए बच्चे बड़ा खुश रहते हैं। यहाँ पे आ जाती हैं शाम को। किशु यहाँ पे देख सकते हैं, दादू ने यहाँ पे रख रखे हैं, इनको डालते हैं चारा वारा। ये गांव में है मतलब, ऐसे इनको बेचारी को किसी के घर नहीं है, इनके कुछ नहीं है। कहाँ जा रही है बाय करके? हेलो हेलो गाइज, इस लड़की को देखो, लकड़ी लेके आई है इनके लिए कि तुम लोग चली जाओ यहाँ से, और अपने आप लेके आई। लिटरली मैं यहाँ पे किसी के साथ ब्लॉग शूट कर रही थी, अचानक से आई है। क्या हुआ, क्या करने लाई है तू इनको? क्यों लाई है लकड़ी है? किसका? क्या करने लाए किशु? किशु कितना खुश हो रहा है। किथली किचु किसु क्या करे? गाय को भगा रही बेटा। गाय को खाना डालते हैं ना नानू? खाना, भूख लगी है गाय को। कितना गुस्सा आ रहा है इस लड़की को। अरे अरे लग जाएगी लग जाएगी लग जाएगी। इसको देखो इसको देखो इसको देखो, कहाँ जाएंगे दोनों के दोनों। अरे अरे रुक गाइस, ये बच्चे देखो, ये जब देख लेते हैं ना माँ दादू को ऐसे, तो इनको भी बस ऐसे ही करना है। पता नहीं इन लोगों ने कब देख लिया ऐसा कुछ, ऐसे भगाते हैं गाय को। गाय भाग जाओ भाग जाओ जाओ यहाँ से। ऐसे नहीं भगाते बेटा, गाय को नहीं भगाते ऐसे। नो नो, नानू तो देख यहाँ पे खिलाते हैं इनको खाना, कितने सारे रख रखे हैं खाना खिलाने के हैं। इस लड़की को देखो, इसने अपने हैंड इतने गंदे कर रखे, इतना चाट रही है खाना। तो खाना तो खाएगी मम्मी? ऊपर मुंह करो के दिखाओ सबको, गाइस को दिखाओ गुड्डा। हेलो गाइस करो। कैसे खाती है, कैसे खाती है गुड्डू खाना, कैसे खाती है? मम्मी हाथ पकड़ रहा है, हाथ कोई ना आतन सब लेती मैं तो पकड़े पकड़े रखे तो ना डाइट रखे थाली नहीं दे रहा भूजी पर रखी क्या उतर सी अधे की कुछ पूरी फ्रॉक गंदी कर ली बेटा, पता है क्या तेरे को? अल्लाह थोक कर ली ना गंदी फोक। कैरी की सब्जी खाएगी? कैरी की खाएगी? अरे गाइस हमारे गुड्डा कैरी की सब्जी इतनी पसंद है, चाटे के आप लोग देखना इसका। चटोरी लड़की। क्या करे गुड्डा इसका? मम्मी चुसाओ, क्या खाए गुड्डो? मत चुसाओ एक बार मत चुसाओ, चुसाओ मत दिखाने खाए क्या? चुसाओ क्या करा किस उनकी चलेगा पापा जी? क्या करा तो गए जी, चल रहे नानी दोती का यहाँ पे, हम सब लोग खाना खा लिए, इनका चल रहा है पिछले के सब लोग तो आराम में खा रहे हैं। माइन ने देखो नानी के साथ करो कसम को। क्या करा चलो गुदू, क्या खासी क्या खाएगी? क्या कैरी की सब्जी? क्या करा हाथ 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 ले हैंड वॉश करे इसके, इधर आओ। गाइस आप लोग बताना इमली किस किस को पसंद है, मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद है, जो वहाँ भी अपने गांव से लेके आए थे। हम लोग खाते हैं दोनों बैठ के खूब सारी, आज इतनी थी इसमें, मैंने खा ली इतनी इतनी इतनी। तो अभी सोती हूँ मैं, मैंने लड्डू गोपाल जी को देखने के लिए आई थी, वो मेरा काम हो गया है, अभी सोते हैं। इतनी अच्छी लगती है, इतनी टेस्टी लगती है, खट्टी खट्टी, कभी भी खा लो मेरा मन करता है, खाने का मन करता है पूरी खा लूँ, पर रख के जाऊँगी। जैसे खाने लग जाते ना, थोड़ा स्टार्ट कर देते ना, तो ऐसे मन करता है कि चलो पूरी खा लूँ। तो गाइस सोते हैं अभी, बाय बाय। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो कल की तरह मैं बता रही हूँ, अभी भी हो रही है रात को लेट, मेरे को रात को थोड़ा लेट ही नींद आती है। सुबह तो मेरे को लेट तक उतना अच्छा लगता है, रात को मैं थोड़ा सा लेट ही हो जाता सोने, पर सुबह जल्दी उठना चाहिए। और अभी मेरे को लड्डू गोपाल जी को सुलाने मतलब देखने आए थे कि सो रहे हैं कि नहीं सो रहे, क्योंकि भूल गए थे भाभी का मैसेज आया कि सुलाया कि नहीं सुलाया, तो सुला दिया था मम्मी ने। मैं अभी चेक करने आई थी, थोड़ा लड्डू गोपाल जी का थोड़ा लाड करने आई थी, मम्मी ने ऐसे नाइट ड्रेस बना के सुला दिया, जैसे हम लोग बच्चों को रखते हैं वैसे ही
लड्डू गोपाल को रखते हैं। कुछ लोग अलग अलग तरीके से रखते हैं, सब लोगों का अलग अलग है रखने का। हम लोग आजकल वो सारा सब कुछ करते, कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, सिलाते हैं, नहलाते हैं, जो बच्चों को खिलाते हैं कुछ भी खाना, जूस खाना सब कुछ खिलाते हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल सो रहे हैं, मैं थोड़ा देर ही बोलती हूँ। सुबह बाय गाइस, मैं तेरे नेक्स्ट ब्लॉग में सी यू। तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। सुबह बाय, सी यू।